हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग जो है अच्छे होंगे। तो मैं देवव्रत राय पश्चिम बंगाल से। दोस्तों आज बात करेंगे एक्सेल ड्रीम के बारे में। एक्सेल ड्रीम स्टार्ट हुआ था अप्रैल 16 तारीख को और आज है 15/5, मतलब कल जो है एक्सेल ड्रीम का पूरा पूरी जो है 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके बारे में आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करूंगा थोड़ा सा, मेरा कितना क्या इनकम हुआ है और एक्सेल ड्रीम का क्या फ्यूचर है। बहुत लोगों का सवाल है कि सर ये कॉन्सेप्ट कितना दिन चलेगा, ये क्या फ्यूचर में जाके स्कैम तो नहीं होगा, क्या अभी पैसा लगाना सही टाइम है। तो सारा का सारा डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाए। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में आप लोगों को अगर बताऊं, एक्सेल ड्रीम एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे कंपनीज में काम करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट में काम करते हैं, उसमें क्या होता है ना कि सारा का सारा कुछ जो है एडमिन के हाथ में होता है। मतलब अगर एडमिन चाहे तो उसमें जो है कैलकुलेशन उसको बढ़ा सकता है, घटा सकता है, या पे आउट टाइम से दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता है, चाहे तो वेबसाइट बंद कर सकता है, चाहे तो मेंटेनेंस पे, जैसे कि हम लोग देखते हैं पहले भी आप लोगों ने शायद देखा है कि भाई कुछ दिन काम किए उसके बाद साइड हो गया, मेंटेनेंस पे चला गया और वो मेंटेनेंस पूरा जिंदगी भर चलता रहा और वो साइड कभी भी ओपन ही नहीं हुआ। बट ये जो है सर, ये एक डिसेंट्रलाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर काम करते हैं। अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में नहीं जानते हो तो कभी आप गूगल या यूट्यूब कर लीजिएगा, बहुत सेफ एंड सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहां पे खुद इसका एडमिन भी चाहे तो इसको चेंज नहीं कर सकता। इसको मतलब जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है इससे जो अभी इसमें फंड पड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो 487 इथेरियम के आसपास जो है निवेश हो चुका है, तो ये उठा नहीं सकता। ठीक है, ये वो बंदा खुद भी नहीं ले सकता। और दूसरी चीज, बहुत सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मार्केट पे चलता है बट मैक्सिमम 99.9% स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कोई भी ऑनर सामने नहीं होता है। बट इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो ऑनर है बिमान दास, ये जो है सबके सामने है। हमेशा ही जो है जूम पे मीटिंग होता है, कुछ दिन पहले भी हुआ था। और दूसरी चीज, इसका अपग्रेड के बारे में बता दूं दोस्तों, बहुत कुछ एक्सेल ड्रीम में आने वाला है। अभी हम लोगों को थोड़ा बहुत नॉलेज है बट ये अभी राइट टाइम नहीं होगा कि आप लोगों के सामने क्या क्या इन फ्यूचर आने वाला है उसको मैं बताऊं। जब वो आएगा तब मैं डेफिनेटली अपना चैनल पे है जो है आप लोगों को सबसे पहले दे दूंगा, क्योंकि एक्सेल ड्रीम का अगर आप हिंदी वीडियो देखेंगे तो शायद शायद मेरा ही पहला वीडियो रहेगा जो कि मैंने एक्सेल ड्रीम के लिए बनाया था। ठीक है, और दूसरी चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट है, चलो सही है, माना कि सेफ है, बट इसमें जो है कभी इन फ्यूचर में स्कैम तो नहीं होगा। तो दोस्तों स्कैम होने का चांसेस यहाँ पे बहुत कम है, बहुत कम क्या, ना के बराबर है। अभी कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि सर एक्सेल ड्रीम जो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ये कहाँ से पैसा जनरेट करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली एक्सेल ड्रीम का खुद का कोई भी मतलब ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहां से वो लोग जो है पैसे से पैसा बना के हमको जो है रिटर्न देता है। ये बेसिकली डुप्लीकेशन है। लोग यहाँ पे आते हैं, लोग अपना पैसा निवेश करते हैं और उसी पैसे से सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, पहला आप वीडियो देख लीजिएगा या मेरे टेलीग्राम के चैनल का लिंक आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के नीचे है, ताकि आपको छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग या जो भी मैं प्लान कर रहा हूँ इसका रिगार्डिंग आपको जो है आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो और एक चीज आपने नोटिस किए होंगे, जब हमने स्टार्ट किया था तब इसका जो है बाइंग का प्राइस बहुत कम था। अभी आप देख सकते हो जब हमने स्टार्ट किया था तो ये सेलिंग का प्राइस, मतलब हमारे पास जो भी अब टोकन है, अभी हम लोग अगर सेल करने जाएंगे तो हमको जो है एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। बट ये आप देख सकते हो 2.21 डॉलर जो है यहाँ पे है, बट ये जब स्टार्ट हुआ था ओनली 2 सेंट का था, मतलब 2 सेंट नहीं, सॉरी 0.02 सेंट का था। मतलब बहुत गुना इसमें जो है पैसा ऑलरेडी लोगों ने बनाया है सर 1 महीने के अंदर। मैंने कितना बनाया वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। तो ये मैं थोड़ा सा नीचे दिखाता हूँ, ये एक ग्राफ है जो कि अभी 200 डॉलर समथिंग इथेरियम चल रहा है, जो कि एक अच्छा प्राइस चल रहा है। और मैं अगर नीचे जाऊँ तो दोस्तों यहाँ पे आप घबराइएगा मत, क्योंकि मैंने अभी जो है स्टेक से निकाला था, क्योंकि मैं डेली यहाँ पे जो भी 1%, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लोग इन्वेस्टर लोग भी वो आते हैं और नॉन वर्किंग मतलब जो वर्किंग करते हैं वो लोग भी यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे निवेश कितना आप करेंगे
मैक्सिमम कुछ भी नहीं है, मिनिमम भी कुछ भी नहीं है, कुछ भी आप अमाउंट से यहाँ पे आ सकते हो। बट मेरा एडवाइस ये रहेगा, क्योंकि एक इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, एक इथेरियम के नीचे आप मत आइएगा, नहीं तो आपको कोई भी मजा, मतलब मजा नहीं आएगा, फीलिंग्स भी नहीं आएगा, क्योंकि इनकम आपको बहुत कम कम में शो करेगा। ठीक है, तो ये जो मेरा है अभी 703 जो XDM टोकन है अभी मेरा वॉलेट पे आप लोग देख रहे हो, तो ये मैं अगर चाहूँ ना, मैंने 5.5 इथेरियम इस कॉन्सेप्ट में, जब ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था 16 तारीख को मैंने 5.5 इथेरियम 5.5 इथेरियम इस सिस्टम में निवेश किया था। इसका वीडियो भी बहुत सारा है, टेलीग्राम पे जाएंगे तो आप देख पाएंगे। तो अभी मेरे पास, क्योंकि जो 1% करके डेली आरओआई यहाँ पे आता है, मतलब जितना भी आप निवेश करेंगे उसका 1% आपको आरओआई आएगा। दूसरी चीज डिविडेंड, ये जो डिविडेंड हम देख रहे हो 7.22, ये मेरा आज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। मतलब जो आप निवेश कर रहे हो यहाँ पे उसका तो 1% करके आ ही रहा है, ये जो है आपका इस जगह पे शो करेगा XDM टोकन के अंदर। बट अगर जो मतलब आप अभी निवेश किए सिस्टम के अंदर, और आपके बाद ही कोई भी दुनिया भर में कोई भी इंसान आपके बाद ज्वाइन करता है, तो उसका जो है 5% जितना भी लोग निवेश करते हैं एक दिन में, उसका 5% टोटल जो भी प्रीवियस लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया है उसके बीच में जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो मेरा ये नॉन वर्किंग इनकम बोल सकते हो, मैंने कुछ नहीं किया, बट 7.722 ये अभी तक तो मतलब ये दिन खत्म नहीं हुआ, 24 घंटे नहीं पूरा हुआ है, फिर भी मेरा अकाउंट पे यहाँ पे $7.22 दिखा रहा है, जो कि मैं विड्रॉल लेके भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये एक इनकम हो गया। दूसरा इनकम मेरा 1% ROI। तो जो भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पे आपका दो टाइप में इनकम मिल रहा है, एक तो आरओआई भी मिल रहा है, दूसरी चीज कंपनी में जितना भी टर्नओवर हो रहा है उसके ऊपर भी आपको जो है कुछ अच्छा खासा कमीशन हो रहा है। मैं आपको बताऊं तो $10 या $15 के नीचे मेरे को कभी भी नॉन वर्किंग इनकम नहीं आया है। तो देखिए दोस्तों, अभी इस प्लेटफॉर्म का सबसे बेस्ट पार्ट जो है, अभी मेरे पास 703 टोकन है। अगर मैं चाहूं कि चलो मैं एक्सेल ड्रीम को अभी क्लोज करता हूं, जितना भी फंड है मैं विड्रॉल लेना चाहता हूं, अगर हालांकि मैं लूंगा नहीं, तो यहाँ पे आपको देखिए, मैं अगर इसका सेल का प्राइस दिखाऊं आपको, $703 का मैं अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे कराई हुआ है ऑलरेडी, तो कर देते हैं फिर से 703। अगर मैं यहाँ पे अभी क्विट करना चाहता हूं, तो 703 XDM टोकन का कीमत होता है सर 7.64, मतलब 7.5 इथीरियम के ऊपर है। मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया था, मैंने 5.5 इथीरियम का इन्वेस्टमेंट किया था, और यहाँ पे अभी कितना इथीरियम आपको दिखा रहा है, 7.5 इथीरियम, तो लगभग 2 इथीरियम के आसपास, तो 5-6, हाँ 2 इथीरियम के आसपास तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट हो चुका है। हाँ, और एक चीज, अगर मैं इसको चाहूं कि विड्रॉल दू, तो मैं विद इन सेकेंड ये मैं कॉइन सेल कर सकता हूँ, और विद इन सेकेंड मेरा इथेरियम वॉलेट में आ जाता है। बहुत सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अभी इंडिया पे या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, लोगों को मतलब, मैं कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में नेगेटिव चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि सारा का सारा प्लेटफॉर्म कुछ ना कुछ रिस्की प्लेटफॉर्म ही होता है। बट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे बहुत लोग ऐसे भी मतलब कॉन्सेप्ट है, जो कि बोलता है कि 2 दिन 3 दिन बाद बाद विड्रॉल मिलता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी 2 दिन 3 दिन नहीं लगता है सर, मैक्सिमम जो भी मैक्सिमम 2 से 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, जो कि ब्लॉकचेन का जितना भी टाइम लगता है उतना ही लगता है, लेकिन 3-4 दिन हर एक विड्रॉल में नहीं लगता है, कि पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्ट आपको बता रहा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, बाकी विड्रॉल आने में 5-7 दिन लग रहा है, तो वो सोच लो वो मैनुअली हो रहा है किधर ना किधर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया 2 इथेरियम का प्रॉफिट, सीधी सी बात है, 5.5 दिखा दिया और यहाँ पे 7.5 हो रहा है, तो 2 इथेरियम का यहाँ पे इंस्टेंट प्रॉफिट है। तो सर मैं अभी ले चलूंगा आप लोगों को मेटामास्क के अकाउंट पे, यहाँ पे जाके आप देख सकते हो कि मेरा अभी अकाउंट में कितना बैलेंस भरा हुआ है, $76 भरा हुआ है, जो कि मैंने इधर से विड्रॉ लिया इथेरियम के फॉर्म में। 0.37 जो है इथेरियम मेरे पास है। ये डिपॉजिट आप देख सकते हो, कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इधर से जो है $20 का दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया था, तो फिर से मैंने इसमें जो है फिर से ट्रांसफर किया, ताकि मुझे तो पता चले एक्सेल ड्रीम से मुझे कितना इनकम हो रहा है कि, और ये जो अकाउंट है मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सेल ड्रीम के लिए ही जो है यूज करता हूँ। तो मैं अभी चला जाऊंगा मेरा ट्रांजेक्शन पे, और मैं ट्रांजेक्शन पे चला जाऊंगा, और ये मेरा इथेरियम एड्रेस है, इसको मैं कॉपी कर लिया। ठीक है, तो आप नोट कर देखिएगा कि मेरा अकाउंट पे कितना बैलेंस था। ठीक है, मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगा कि भाई मेरे को अभी
एक महीने में लगभग लगभग कितना अर्निंग हुआ है, कितना विड्रॉल मैंने लिया है, तो ये देख सकते हो। ये $20 का मैंने अभी इसमें ट्रांसफर किया था, जो कि मैंने कुछ दिन पहले इधर से लिया था ट्रांसफर करके दूसरे अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि थोड़ा सा नीचे जाते हैं, थोड़ा सा नीचे जाते हैं। हाँ देख, यहाँ पे देखिए आप, 4 दिन पहले मैंने इधर से जो है 2 इथेरियम का, एक ही दिन में 2 इथेरियम का इधर से जो है मैंने विड्रॉल लिया था। ठीक है, तो 2 इथेरियम तो मैंने ऑलरेडी विड्रॉल ले लिया। अकाउंट्स में भी आप लोगों ने देखे होंगे कि जो मैं आपको दिखाता हूँ फिर से कि 0.37 इथेरियम पड़ा हुआ है। ठीक है, और मैं ट्रांजेक्शन में जाऊंगा तो सर आप पूरा देख सकते हो, यहाँ पे फुल ट्रांजेक्शन है कि आप देखिए यहाँ पे डेट देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 दिन नीचे जाएंगे तो, और डेली को मेरे को जो है, डेली जो नॉन वर्किंग इनकम मेरे को आता है वो मैं डेली जो है विड्रॉल ले लेता हूँ। दैट मीन्स मैं अगर आपको एक कैलकुलेशन दिखाऊं कि भाई मैंने इधर से जो है 5.5 इथेरियम मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और मैंने कितना प्रॉफिट बनाया लगभग एक ही महीने में, तो मैंने अपना अकाउंट दिखाया कि अभी अगर मैं सारा का सारा विड्रॉल ले लूं तो मेरे पास 7.64 इथेरियम होगा, जो कि मैंने 5.5 इथेरियम लगा दिया है। अभी मेरे पास इतना फंड पड़ा हुआ है और अभी मेरा वॉलेट जो मैंने आप लोगों को दिखाया था वो जो है 0.37 वॉलेट पे बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, और 2 इथेरियम के मैंने यहाँ पे जो है विड्रॉल लिया था सर, 2 इथेरियम का। तो यहाँ पे टोटल देख सकते हो कि 10 इथेरियम का मेरा जो है लगभग लगभग हो गया है। 5.5 इथेरियम मैंने इन्वेस्टमेंट किया था और लगभग आधा इथेरियम अगर हो जाता है मेरा, हालांकि 7 से 8 दिन के अंदर अंदर आधा इथेरियम तो मुझे हो ही जाएगा। और ये जो अकाउंट मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ ना, यहाँ पे एक भी मैंने रेफर नहीं किया, एक भी मैंने बंदे को रेफर नहीं किया। जो भी रेफर लिंक है और सभी जानते हैं वो मेरा जो है दूसरा अकाउंट है, क्योंकि मेरा और भी एक अकाउंट है। ठीक है, तो 4.5 इथेरियम का प्रॉफिट मैंने किया 5.5 इथेरियम लगा के 1 महीने के अंदर अंदर। अभी मेरा जो भी विड्रॉल पड़ा हुआ है, कुछ विड्रॉल मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि भाई कितना टाइम में विड्रॉल यहाँ पे आता है, जो कि मेरा नॉन वर्किंग इनकम है, मैं हमेशा ही जो है विड्रॉल ले लेता हूँ। तो मैं अभी आपको जो है विड्रॉल करके दिखाऊंगा भाई कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कितना जल्दी जो है विड्रॉल आता है। ठीक है, मैंने ये रिक्वेस्ट डाल दिया। अभी आप लोग ही देखो, यहाँ पे देखिए ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, यहाँ पे नोट कीजिएगा $76 मेरा अकाउंट पे बैलेंस है। लास्ट में इन्वेस्टमेंट कॉन्सेप्ट है, लास्ट में 2-3 बात आपको बताऊंगा कि कैसे जो है आप इन्वेस्टमेंट करके, चाहे अच्छा अच्छा प्लान में इन्वेस्टमेंट करके कैसे अपना पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हो। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है बहुत सालों का। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक पॉइंट आता है, जो कि नेटवर्किंग में कहा जाता है कि डोंट पुट योर ऑल बॉल्स इन वन बास्केट, दैट मींस आपके पास जितना भी पैसा है कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट में इकट्ठा, मतलब सब कुछ एक ही कॉन्सेप्ट आप मत डालो। अगर डालेंगे तो आप गलत करेंगे। ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट प्लान चाहे जितना भी अच्छा हो आपका, जितना भी आप लगाना चाहते हो उतना मत लगाओ। ये देखिए कंफर्म भी हो गया। ठीक है, आप लोगों के सामने कंफर्म हो गया, तो देख सकते हो कितना टाइम में कंफर्म हुआ है सर, बहुत कम टाइम पे जो है कंफर्म हो गया। तो मैं वही आपको बता रहा था कि देखो ये $84 आप लोगों के सामने आ गया है, वीडियो मैंने पॉज नहीं किया है। तो लोग बताते हैं कि 6 दिन 7 दिन 4 दिन लगता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में विड्रॉल, नहीं सर कभी भी नहीं लगता। ठीक है, तो सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये चीज दिमाग में रखिएगा, कभी भी सारा का सारा पूंजी कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे मत दीजिएगा। दूसरी चीज के ऑनलाइन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो आप अगर सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर है, ओनली इन्वेस्टर के लिए बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर है तो आपको जो है हमेशा फाइंड करना होता है, हमेशा सर्च करना होता है कि मार्केट में कौन सा अच्छा कॉन्सेप्ट है, कौन सा नया कॉन्सेप्ट है, जाके आप पैसा डाल सकते हो। दूसरा पॉइंट मेरा, तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप पैसे से पैसा कैसे बना सकते हो। देखिए जैसे कि मैंने अभी इस प्लेटफॉर्म में, मेरा ही एग्जांपल दूंगा कि मैंने जिसमें अभी फर्स्ट टाइम में इसमें इन्वेस्टमेंट किया और मैंने 2 इथेरियम यहाँ से विड्रॉल भी लिया, कुछ पड़ा हुआ है मेरा यहाँ पे। तो आपको भी सेम काम करना है, अगर आप इन्वेस्टर हो, अगर आप रेफर नहीं कर पाते हो किसी से या किसी से बात नहीं करते हो, तो सिंपली आप निवेश करो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, कुछ कुछ प्लेटफॉर्म पे, अच्छा प्लेटफॉर्म पे, देन आपको उधर से अगर जो अर्निंग आता है उसको फिर से इन्वेस्टमेंट करो, देन उधर से फिर इनकम आता है तो फिर से इन्वेस्टमेंट करो। सेम प्लेटफॉर्म पे बार बार इन्वेस्टमेंट मत करो, नए नए प्लेटफॉर्म पे, अच्छा प्लेटफॉर्म की बात कर रहा हूँ जो कि जेन्युइन है, अच्छा है, नया है, उसमें जाके इन्वेस्टमेंट करो और उधर से फिर पैसा आता है तो फिर जाके निवेश करो, ये कंटिन्यू होना चाहिए। और लास्ट जो मेरा पॉइंट है कि सर हमेशा इन्वेस्टमेंट ही मत करो, अपना जो पूंजी है, अपना जो
अपना जो पूंजी है, अपना जो प्रिंसिपल है, वो सबसे पहले कोशिश करो विड्रॉल लेने की, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं ना, बस री इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट री इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं, ठीक है। बट ये प्लान ऐसा है कि दोनों दो ऑप्शन है, इसमें दो टाइप का इनकम है इन्वेस्टर के लिए। तो मैं विड्रॉल ले ले रहा हूँ और एक मैं कंपाउंडिंग कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैक्सिमम कॉन्सेप्ट में लोग क्या करते हैं ना, बार 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 पैसा डालते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ दिमाग में रखिएगा भाई, सबसे पहले अपना प्रिंसिपल अमाउंट आप उठा लो, उसके बाद जो भी प्रॉफिट करा है उससे आप कंपाउंडिंग करो, जो मर्जी करो, ठीक है। तो बस इतना ही था एडवाइस दोस्तों। वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। वीडियो के नीचे लिंक है, जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप पे कनेक्ट हो सकते हो, हम लोग बात कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।